वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को NSDL पाम आईडी फर्स्ट टाइम लॉगिन करने का प्रोसेस दिखाने वाला। तो उसके लिए हम पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लॉगिन मैनेजर लिखकर सर्च करेंगे। तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर देखिए लॉगिन फेल्ड, प्लीज़ डाउनलोड एंड रन द NSDL eGov। तो इसको हम अभी ओके कर देते हैं और यहाँ से यूज़र टू क्लिक हियर डाउनलोड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा NSDL फाइल या डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो इसको हम अभी मिनिमाइज़ करेंगे और दिस पीसी पर जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ यह हमारा फाइल है, यहाँ इसको हम रन एंड एडमिनिस्टर कर देंगे। यहाँ हम यस कर देंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ हमें शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप पर, तो हम इसे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारा यह फाइल इंस्टॉल फिनिश हो गया। अभी इसको कट कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो आइकन शो हुआ है यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ब्राउज ओपन हो जाएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमें जावा डाउनलोड करना है, यहाँ एग्री एंड स्टार्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा जावा फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। डाउनलोड हो गया, इसको अभी डाउनलोड पर जाएंगे। यहाँ नीचे यह हमारा जावा फाइल है, इसको हम रन एंड एडमिनिस्टर कर देंगे, इसको हम यस कर देंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल कर देंगे। तो यह हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया, एक मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यह हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए यू हैव सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर अभी हमें इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ नोटिफिकेशन बार पर जाएंगे। ये देखिए हमारा नोटिफिकेशन बार पर आइकन शो हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए NSDL eGov सर्विस स्टार्टिंग। थोड़ा वेट कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। तो यह हमारा स्टार्ट शुरू हो गया। अभी यहाँ पर नेटवर्क पूछ रहा है, यहाँ से हम दोनों को अलाउ कर देंगे और अलाउ एक्सेस पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से हम नोटिफिकेशन बार पर जाएंगे और यहाँ NSDL आइकन पर जाएंगे। ये देखिए NSDL eGov सर्विस रनिंग। तो अभी हम ब्राउज़र पर जाएंगे और दोबारा से लॉगिन मैनेजर ओपन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन मैनेजर पर जाएंगे, और यहाँ पर डू यू वांट टू रजिस्टर दिस मशीन, यहाँ पर हम क्लिक हियर कर देंगे।
और यहाँ पर हमारा यूज़र आईडी जो है वो डालेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये हमारा मशीन ऑलरेडी रजिस्टर है इसलिए रजिस्टर दिखाया, तो अभी हम इसको क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, तो हम यहाँ से कैप्चर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। यह हमारा लॉगिन मैनेजर ओपन हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब अगर न्यू पैन कार्ड या करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।